हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं कि जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मैंने डिस्कस किया, तो शॉर्ट रन में कौन कौन सी कॉस्ट इनकर होंगी और कॉस्ट के टाइप्स, डेफिनेशन और इसके साथ साथ फॉर्मूले क्या होंगे। मैंने आपको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बताया, एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर कुछ फैक्टर रहेंगे फिक्स्ड, कुछ रहेंगे वेरिएबल, उसे बोला गया शॉर्ट रन। तो इन शॉर्ट रन में जो मैं फिक्स्ड फैक्टर पे कॉस्ट खर्च करूंगा वो कहलाएगी फिक्स्ड कॉस्ट, जो भी मैं वेरिएबल फैक्टर पे कॉस्ट खर्च करूंगा वो कहलाएगी वेरिएबल, यदि इम्प्लिसिट है तो इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट फैक्टर है तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इन सभी कॉस्ट से मिलकर शॉर्ट रन में हमें अलग अलग कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करना है। तो पहली बात, शॉर्ट रन है क्या? एक ऐसा टाइम पीरियड कुछ फैक्टर रहेंगे फिक्स्ड, कुछ फैक्टर रहेंगे वेरिएबल, और इन सभी फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर पर जो कॉस्ट खर्च होगी या जो इनकम हम कमा सकते थे नहीं कमा पाए, उसे बोलेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट। द कॉस्ट इनकर्ड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन नोन एज शॉर्ट रन कॉस्ट। इट इंक्लूड्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट व्हिच आइदर फैक्टर मे बी एम्प्लॉयड बाय प्रोड्यूसर हिमसेल्फ और फ्रॉम द मार्केट। अब जो कॉस्ट है शॉर्ट रन में, ये बहुत अलग अलग टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड है। कॉस्ट तो मेनली दो ही है, फिक्स्ड और वेरिएबल। यदि मैं नेचर की बात करूं तो आगे मुझे केवल फिक्स्ड और वेरिएबल के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। तो कॉस्ट केवल दो ही टाइप की है, फिक्स्ड और वेरिएबल, लेकिन इनसे मैं दूसरी कॉस्ट भी ड्राइव कर सकता हूं। तो देखें पहले कौन कौन सी शॉर्ट रन में मुझे कॉस्ट पढ़नी है। एक पढ़नी है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी पढ़नी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तीसरी पढ़नी है टोटल कॉस्ट, फिर है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ये सारी शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं, इसीलिए शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं एमसी को, और एसी को शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो मुझे कॉस्ट की बात करनी है, सबसे पहले तो टोटल के कंटेक्स्ट में, टोटल फिक्स्ड, टोटल वेरिएबल, टोटल कॉस्ट। फिर इसके बाद बात करता हूँ एवरेज के कंटेक्स्ट में, एवरेज फिक्स्ड, एवरेज वेरिएबल, एवरेज कॉस्ट। फिर आखिरी में बात करते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं। तो कॉस्ट मुझे टीएफसी, टीवीसी, टीसी, एएफसी, एवीसी और एसी, एसी का दूसरा नाम हमने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो कहा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इसी का दूसरा नाम, और आखिरी मार्जिनल कॉस्ट या फिर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। देखिए सबसे पहले बात करें टीएफसी क्या है। तो बच्चों मैंने आपको पिछले लेक्चर में आखिरी में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया, एक न्यूमेरिकल कराया जहां आपको बताया था मैंने कितने टाइप के फिक्स्ड फैक्टर मैंने वहां एंगेज किए, चाहे मैंने लगाए या मार्केट से बोरो किए। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सारे फिक्स्ड फैक्टर्स चाहे वो लैंड हो, कैपिटल हो या एंटरप्रेन्योर हो, खुद का हो या मार्केट से बोरो किया हो, सेल्फ ओन्ड, इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिसिट हो, कैपिटल खुद की लगाई हो या बैंक से उधार ली हो, इन सभी फैक्टर्स पर जो खर्चा हुआ या फिर जो इनकम हम कमा सकते थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उनको टोटल कर देंगे, आ जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड ऑन ऑल दी फैक्टर्स, ऑल दी फिक्स्ड फैक्टर्स, आइदर एम्प्लॉयड बाई प्रोड्यूसर हिमसेल्फ और बोरोड फ्रॉम दी मार्केट, नोन एज टीएफसी। तो टीएफसी निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, सारी फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ते चलो, जो हमने खुद का पैसा लगाया उसकी इंटरेस्ट, मार्केट से पैसा बोरो किया उसकी इंटरेस्ट, जो हमने खुद की बिल्डिंग लगाई उसका किराया, जो मार्केट से गोडाउन बोरो किया उसका किराया, जो एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है प्रॉफिट के लिए, ये सारे मैंने जोड़ दिए तो आ जाएगा मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। या फिर दूसरा फॉर्मूला एएफसी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये वाला फॉर्मूला अभी समझ में आएगा जब मैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूंगा। अभी तो आप लोग केवल टीएफसी भी चलते जाए इसी वाले फॉर्मूले पे, टीएफसी इक्वल्स टू सिग्मा एफसी, सिग्मा एफसी मतलब जितने भी फिक्स फैक्टर लगाए उनकी कंबाइंड कॉस्ट। अगला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट सारे जो वेरिएबल फैक्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में लगाए हैं, इन सभी वेरिएबल फैक्टर की जो कुल खर्चा हुआ है या कुल जो इनकम हम कमा सकते थे नहीं कमा पाए, उसे बोला गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैंने लेबर भी लगाई, अपने पास से भी लेबर लगाई, मार्केट से बोरो करी वहां से भी लेबर लगाई, इसके अलावा मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, खुद के यहां से रॉ मटेरियल लगाया, बाजार से भी खरीदा। तो ये सारा जो खर्चा मैंने खुद के फैक्टर्स पे किया, जो वेरिएबल नेचर है या मार्केट से बोरो करके वेरिएबल फैक्टर मैंने बोरो किए उन पर जो खर्चा किया वो जो वेरिएबल नेचर है वापस, इनकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कहलाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और ज्यादातर वेरिएबल फैक्टर्स जो भी रहेंगे वो मार्केट से ही बोरो करेंगे, ज्यादा केसेस में हमेशा वेरिएबल फैक्टर मार्केट से ही बोरो करेंगे, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर है केवल लेबर। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड ऑन ऑल दी वेरिएबल फैक्टर्स आइदर एम्प्लॉयड बाय प्रोड्यूसर हिमसेल्फ और फ्रॉम दी मार्केट।
तो फॉर्मूला आ गया टीवीसी इक्वल्स टू सिग्मा वेरिएबल कॉस्ट। आगे बात करें टोटल कॉस्ट, तो बच्चों टोटल कॉस्ट है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुल कॉस्ट, चाहे जिसमें फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो। तो टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल कॉस्ट मुझे निकालनी है, तो टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल दोनों करनी होगी, प्लस आ जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट। समेशन ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी इज नोन एज टोटल कॉस्ट, और वी कैन से टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, आइदर आइदर एंगेज्ड बाय प्रोड्यूसर हिमसेल्फ और बोरोड फ्रॉम द मार्केट और बोथ, ट्रीटेड एज टोटल कॉस्ट। कुल खर्चा इतना हुआ, चाहे फिक्स्ड का हो वेरिएबल का हो दोनों का हो, चाहे प्रोड्यूसर ने लगाया हो या मार्केट से बोरो किया हो, ये कॉस्ट मानी जाएगी टोटल कॉस्ट। फॉर्मूला है टीएफसी प्लस टीवीसी। अब अगली जो कॉस्ट है, मैंने अभी तक कॉस्ट की बात की है टोटल वैल्यू के कंटेक्स्ट में, टीवीसी वेरिएबल फैक्टर का कॉस्ट, टीएफसी फिक्स्ड फैक्टर का कॉस्ट, टीसी दोनों को कर देंगे। अगली है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट होगी, मुझे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। पर यूनिट का मतलब फिक्स्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का रिलेशन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ, तब निकाल पाएंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का रिलेशन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ, तब आ जाएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्या फॉर्मूला बना, टीएफसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो सर क्या यहां से टीएफसी का एक फॉर्मूला और बन सकता है, मैंने पूछा क्या कि एएफसी का फॉर्मूला है टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू, तो क्या अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो टीएफसी का फॉर्मूला एएफसी इंटू क्यू नहीं बन सकता, बिल्कुल। तो टीएफसी का एक फॉर्मूला बन गया एएफसी मल्टीप्लाई बाय क्यू। अगला आया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वापस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के साथ, उसे नाम दिया गया एबीसी का। इसका भी एक फॉर्मूला और बन सकता है टीवीसी का, एबीसी के अकॉर्डिंग, तो टीवीसी इक्वल्स टू एबीसी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। अगला है एवरेज कॉस्ट या फिर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, तो हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है। एक फॉर्मूला इसका टोटल कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट का रिलेशन, टोटल कॉस्ट का रिलेशन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ, टोटल कॉस्ट का रिलेशन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ, तब मेरा आ जाएगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टीएफसी प्लस टीवीसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, या फिर तीसरा फॉर्मूला टीएफसी अपॉन क्यू को क्या बोलेंगे, एएफसी, टीवीसी अपॉन क्यू को एबीसी। मैंने ये क्यू का अलग अलग डिवाइड कर दिया, टीएफसी में अलग और टीवीसी में अलग, तो टीएफसी में डिवाइड किया तो एएफसी, टीवीसी में डिवाइड किया तो एबीसी। तो मेरा फॉर्मूला बन गए तीन, एक टीसी अपॉन क्यू, दूसरा टीएफसी प्लस टीवीसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, और तीसरा एसी इक्वल्स टू एएफसी प्लस एबीसी। अगली कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल वर्ड का मतलब हमेशा रहेगा एडिशनल, तो एडिशनल कॉस्ट जो इनकर्ड हुई एक एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए उसे बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट या फिर एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर अगर एडिशनल कॉस्ट लिखें या एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट लिखें तो क्या दोनों बातें सेम है, बिल्कुल। इसके बारे में फर्दर क्लैरिफिकेशन आगे जब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, तब और क्लैरिफाई हो जाएगा कि मैं एवरेज वेरिएबल और एवरेज कॉस्ट दोनों एक साथ कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं एमसी की वैल्यू निकालने के लिए। तो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, या फिर एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एडिशनल कॉस्ट निकालनी है, पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहा हूं, तो एम सी एन इक्वल्स टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन। सर क्या ये फॉर्मूला मैंने टीपी में ही पढ़ा था, क्या ऐसा ही फॉर्मूला मैंने टीयू में पढ़ा था, बिल्कुल। मैंने एमयू का फॉर्मूला पढ़ा था, एमयू एन इक्वल्स टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस वन,
मैंने टीपी का, मैंने एमपी का फॉर्मूला पढ़ा, एमपी एन इक्वल टू टीपी एन माइनस वन। अब सेम ऐसे यहाँ पे एमसी का फॉर्मूला, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट मैं वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों से निकाल सकता हूं, इसलिए इसका फॉर्मूला टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन भी बन सकता है। तीसरा फॉर्मूला, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड या फिर चेंज इन आउटपुट। ये बात थी बच्चों टीवीसी, टीएफसी, टीसी, एएफसी, एवीसी, एसएससी और एसएमसी की फॉर्मूले और डेफिनेशन की। एग्जाम में काफी बार स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन भी आ जाती है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इस क्लास के बाद एक क्वेश्चन वापस कॉपी में लिखें और वापस अपने तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए अब बात, मैंने कॉलम बनाया, सबसे पहले तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस का, इसके बाद है टोटल फिक्स्ड, फिर है टोटल वेरिएबल, टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल, एवरेज फिक्स्ड, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड फैक्टर्स पे खर्च होगी उसे बोला गया है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और मैंने प्रोडक्शन फंक्शन वाले टॉपिक में किया हुआ है कि फिक्स्ड फैक्टर्स हमेशा क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट। मैंने अपने बिजनेस में अपनी फैक्ट्री एक लगा दी, अब वो फैक्ट्री में और एंगेज नहीं कर सकता हूं। मैंने एक बार बिजनेस में अपनी फैक्ट्री लगा दी या मार्केट से कुछ जमीन किराए पर लेकर फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, अब मैं कोई दूसरी बिल्डिंग किराए पर नहीं ले सकता हूं। ये अदम्पशन है शॉर्ट रन की, फिक्स्ड फैक्टर हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे। अगर वो बिल्डिंग ही कांस्टेंट रहेगी तो उसका किराया भी कांस्टेंट रहेगा, किराया कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। बिल्डिंग का किराया सपोज 2000 रुपए पर मंथ है तो ये 2000 रुपए ही चलता जाएगा हर बार, माल बनाओ या माल मत बनाओ। जीरो यूनिट ऑफ आउटपुट हो या आउटपुट हो सपोज 10 यूनिट का, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा रहेगी सेम। ग्राफ के बारे में अगली क्लास में बात करने वाले, मैं यहां पर केवल बात कर रहा हूं वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। सर क्या मैं इसका मतलब कितना भी प्रोडक्शन कर सकता हूं? बच्चों प्रोडक्शन केवल करूंगा फैक्ट्री की कैपेसिटी तक, फैक्ट्री में अधिकतम कितना यूनिट बन सकती है, मशीन कितने घंटे काम कर सकती है, केवल उतना ही प्रोडक्शन कर पाऊंगा। मैं यहां अदम्पशन ले रहा हूं अपनी फैक्ट्री में केवल 10 तक यूनिट बना सकता था, अपनी फैक्ट्री में केवल 10 यूनिट ही बना सकता था, इसीलिए आउटपुट मेरा मैक्सिमम 10 यूनिट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो यूनिट पर जीरो है। अभी मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं कर रहा हूं, मुझे केवल वैल्यू निकालनी है। पहले मैं केवल फॉर्मूले से वैल्यू निकालूंगा। मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी पहले ही लिख ली है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट केवल एक पायदान पे थी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में, मैंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाकी आगे लिख ली क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में जानता था हमेशा रहेगी सेम। अब मुझे निकालनी है टोटल कॉस्ट, क्या फॉर्मूला है? टीएफसी प्लस टीवीसी, तो टीएफसी प्लस टीवीसी जोड़ते चले 20, 30, 38, 44, 49, फिर आएगा ये 53, 59, 67, 80, 95 और 150। ये मैंने टीसी की वैल्यू निकाल दी। अब मुझे निकालनी है एएफसी की वैल्यू, तो एएफसी का क्या फॉर्मूला था? टीएफसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो टीएफसी में डिवाइड करता चला हूं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड का, तो मेरी एएफसी की वैल्यू आ जाएगी जीरो यूनिट पर, तो आ जाएगी वैल्यू इन्फिनिटी, नॉट डिटर्मिनेबल, इसलिए मैंने लगा दिया डैश। फिर 20 डिवाइड बाई 1, 20 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 3, 20 डिवाइड बाई 4, 20 डिवाइड बाई 5, 20 डिवाइड बाई 6, 20 डिवाइड बाई 7, ये आ जाएगा कुछ 7 × 2 = 14, 8 और 5 या 5.86 भी कर सकते हैं। 20 डिवाइड बाई 8, 2.5, 20 डिवाइड बाई 9, ये आ जाएगा कुछ 2.22 और फिर 20 डिवाइड बाई 10, ये आ गया 2। एवीसी की वैल्यू, एवीसी का फॉर्मूला टीवीसी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, एवीसी निकालनी है, टीवीसी वापस पहले पॉइंट पर, नॉट डिटर्मिनेबल, 10 में 1 का डिवाइड 10, फिर 9, 18 डिवाइड बाई 2, फिर 24 डिवाइड बाई 3, 8, 29 डिवाइड बाई 4, 7.25, फिर 33.5, 6.60,
डिवाइड करते चलना है केवल 6.66, 47 डिवाइड 7 6.71, 20 60 डिवाइड 8 7.5, 75 डिवाइड 9 8.33, और फिर 10 डिवाइड बाई सॉरी 95 डिवाइड बाई 10 9.50। ये मैंने वैल्यू निकाल दी अब टोटल वेरिएबल सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। अब निकालते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो फॉर्मूला है या तो टोटल कॉस्ट में डिवाइड कर लो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस का, या फिर मेरे पास AFC और ABC है इन दोनों को ऐड करता चलूं। तो ये आ गया 30 19 14.67 12.25 10.60 या जाएगा 9.99 या फिर 10, फिर ये 9.56, इसके बाद 10, फिर 10.55 और फिर 11.5। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी कॉस्ट निकालना आ चुका है। अब मुझे निकालनी है आखिरी में शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए मैं टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकता हूं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकता हूं। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से किसी से भी निकाल सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा हमेशा निकालें टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि स्टार्टिंग वाले जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है यहां पर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमेशा मार्जिनल वैल्यूज निकालने के लिए दो वैल्यूज हमें कंपेयर करनी होंगी। दो वैल्यू कंपेयर करनी है मुझे, SMC 0 की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला रहेगा PVC 0 माइनस TVC 0 माइनस 1, जो कि ये डिटर्मिनेबल नहीं है, इसीलिए जीरो लेवल पर मैं SMC की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। अब बात करूं पहले यूनिट पर, तो मेरी TVC की वैल्यू 10, 10 माइनस 0 10। पहले यूनिट पर SMC की वैल्यू निकालनी है, तो SMC निकालने के लिए TVC n माइनस TVC n माइनस 1, मतलब TVC 1 माइनस TVC 0, तो 10 माइनस 0 10, या फिर टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग TCN TC 1 माइनस TC 0, तो 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। टोटल कॉस्ट से निकाल सकते हैं या टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकाल सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। सेम क्यों आएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट में हर बार जो फिक्स्ड कॉस्ट का कॉम्पोनेंट है वो सिमिलर है। हर बार 20 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड है, इसमें भी 20 रुपए है और इसमें भी 20 रुपए, तो 20 से 20 कट गया, तो अल्टीमेट डिफरेंस तो केवल वेरिएबल कॉस्ट का ही आएगा। इसके बाद 38 माइनस 30 8, या फिर 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, टीसी या फिर टीवीसी से कोई से भी कर सकते हैं, 29 माइनस 24 25 सॉरी 5 4 फिर 6 फिर 7 और 1 8, इसके बाद 13 फिर 15 और आखिरी में 20। ये बात थी बच्चों शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने ओवरऑल आपको सारी कॉस्ट की कैलकुलेशन, अगर कोई वैल्यू मिसमैच हो गई वो आप कंसीडर कर लें। ऑलमोस्ट मेरा मोटिव है आप लोगों को बताना किस तरह से कौन सी वैल्यू निकाली जाएगी। हमेशा याद रखें मार्जिनल कॉस्ट के बारे में किसी से भी निकाल सकते हैं, टीसी से भी या फिर टीवीसी से भी। बच्चों ये बात थी ओवरऑल आज के बारे में, मैंने कॉस्ट की पहले बात की, डेफिनेशन की, सारे फॉर्मूलेज और हर एक वैल्यू को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक के इन सभी कॉस्ट के क्या कर्व रहेंगे, सबसे बड़ा टॉपिक यही है इस चैप्टर के अंदर, इस पूरी बुक के अंदर कॉस्ट का पूरा, कॉस्ट की कैलकुलेशन, कॉस्ट के ग्राफ आगे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक कॉस्ट का इंडिविजुअल ग्राफ कैसे बनेगा, एक कॉस्ट का दूसरे कॉस्ट के साथ कैसे रिलेशन होगा, तब तक पढ़ते रहें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।